आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। किसानों के समर्थन में सड़कों पर आंदोलन के लिए निकल रहे सपाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूर्व मंत्री रामजी लाल सुमन के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए एमजी रोड पर आ रहे थे। इसी बीच पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक लिया और ट्रक में भरकर सपाई खंदारी कैंपस भेज दिए। किसान अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलन करते चले आ रहे हैं। किसानों के समर्थन में विपक्षी दल जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूर्व मंत्री रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में उनके आवास से निकले, लेकिन एमजी रोड पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक दिया। एक लंबे अरसे से हिंदुस्तान के किसान और उनके किसान संगठन, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि कृषि से संबंधित 3 बिल आनन फानन में जो भारत सरकार ने संसद से पास करा लिए, सरकार उन कानूनों को वापस ले। पुलिस के रोकने पर सपाइयों ने नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों के समर्थन में सड़कों पर आंदोलन के लिए निकल रहे सपाई किसानों के लागू किए गए काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। नारेबाजी होने पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों ने रामजीलाल सुमन के साथ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए कार्यकर्ताओं को ट्रक में भरकर खंदारी कैंपस भेज दिया। मेरी समझ में आता कि जिन वर्गों के लिए कानून बने हैं, अगर वही वर्ग ऐसा मानते हैं कि कानून उनके हित में नहीं है, तो सरकार को कौन सी ऐसी आपत्ति है जिससे उनकी बात को स्वीकार नहीं कर सकती है। सरकार को हर धर्मता को छोड़ करके किसानों के जज्बात को, किसानों की भावना को समझना चाहिए और अविलंब इन तीनों बिलों को, तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामजीलाल सुमन के आवास पर कार्यकर्ता सुबह से ही एकत्रित होना शुरू हो गए। इसके बाद हाथों में झंडे बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए गुस्से का इजहार करने एमजी रोड पर निकल रहे थे। इसी बीच पुलिस बैरियर लगाकर रोक दिया गया। पुलिस के रोकने पर सपाइयों ने जमकर नारेबाजी की। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।